हाँ जी, आप आज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो क्या अपने विचार हैं थोड़े बताइए, थोड़ा डेजिनेशन बताइए आप। नमस्कार, मैं जगदीश यादव हूँ, मैं चेयरमैन हूँ दिल्ली अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का, दिल्ली सरकार में राज्य मंत्री का मेरा दर्जा है और मैं यहाँ स्टार प्रचारक के रूप में आज यहाँ चुनाव में आया हूँ। उपेंद्र जी और नवीन जी हमारे चेयरमैन और पार्षद के पार्टी के उम्मीदवार हैं और बहुत हमारे पार्टी की नीतियों को हरियाणा में हर आम आदमी स्वीकार कर रहा है और आने वाले समय में जो 19 तारीख का चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर हमारी जीत निश्चित। तो आज का जो कैंपेन जो चलेगा तो कहाँ कैसे क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ? अभी आया हूँ मैं आपके, बस इसके बाद बुलाया है, आज उनकी एक मीटिंग थी उपेंद्र जी की भी और नवीन जी की। अब ये जहाँ भी ये लेके जाएंगे कैंपेन में उनके उस पर मैं चलूँगा इनके साथ। तो आज महेंद्रगढ़ आपने देखा भी है, कैसा लग रहा है, क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना सिक्का जमा पाएगी? महेंद्रगढ़ का जितना बड़ा नाम है वहाँ इन पार्टियों ने इतना छोटा काम किया है। जिस महेंद्रगढ़ का दिल्ली में एक बड़े सम्मान के नाम से दिया जाता है कि महेंद्रगढ़ एक बड़ा खूबसूरत शहर होगा, लेकिन मैंने जब यहाँ के देखा कि महेंद्रगढ़ का अपमान, यहाँ की जनता का अपमान, यहाँ के एक एक नागरिक का अनदेखी किस तरह से यहाँ के नेताओं ने की है, आज हर नागरिक समझ चुका है। और ये हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका दिल्ली में है, जो पंजाब में चल रहा है, वो चाहते हैं कि हम पूरे देश और हरियाणा में उसको लेके आए और लोगों ने स्वीकार किया है कि अगर कोई काम करने वाली पार्टी है, देश को और एक राज्य को मजबूती से आगे लेके जाने वाली पार्टी है, तो वो आम आदमी पार्टी है और हमारी पार्टी को हर कैंडिडेट को स्वीकार करते हुए हमारी जीत निश्चित है। पिछले 7 सालों से विकास नहीं हुआ शहर में और जो चेयरमैन रहे हैं, पार्षद रहे हैं, वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन्हें वोट दे के फिर जिता के फिर पीछे ले जाना चाहिए महेंद्रगढ़? जमानत जब थोड़ी तो जनता का रुख है, बड़ी पार्टी है भाजपा, वो भी 200 वोटों के लिए चुनाव लड़वा रही, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि इंटरनेशनल पार्टी और वो 200 वोटों के लिए लड़ रही है? इनके जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो बड़े मंच पे खड़ा होकर कहते हैं कि हम संसार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। आज मैं यह महेंद्रगढ़ की धरती पर बैठ के कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी इस बीजेपी पार्टी को सबसे छोटी पार्टी के रूप में बना देगी। जो हम काम कर रहे हैं लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं और इस पार्टी की अनदेखी कर रहे हैं।